22 सालों से छोटे पर्दे पर चल रहा सीआईडी आज घर घर में लोकप्रिय हो चुका है। इस धारावाहिक को देखना लोग बेहद ही पसंद करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, सीआईडी का पहला एपिसोड 21 जनवरी 1998 में दिखाया गया था। तो अगर आप इस धारावाहिक को देखना पसंद करते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आपको हमारी कोई भी वीडियो सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, आप लोगों ने सीआईडी सीरियल में दया और श्रेया की लव स्टोरी को तो देखा ही होगा, लेकिन दोस्तों असल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं है। सीरियल को बस इंटरेस्टिंग बनाने के लिए स्टोरी डाल दी गई है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दया और श्रेया की रियल लाइफ के बारे में। दोस्तों, अगर आप भी सीआईडी लवर हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात आती है इंस्पेक्टर श्रेया की। इंस्पेक्टर श्रेया सीआईडी एपिसोड में पहली बार एपिसोड नंबर 842 में आई थी। आपको बता दें कि श्रेया एक भारतीय अभिनेत्री हैं और भारतीय अभिनेत्री होने के साथ साथ वह एक सुपर डांसर भी हैं। आपको बता दें कि जाह्नवी का जन्म 29 फरवरी 1984 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। जाह्नवी मैम ने अपनी शादी सीआईडी सीरियल में आने से पहले ही कर ली थी। दोस्तों, जाह्नवी ने साल 2011 में निशांत गोपालिया से शादी की थी। दोस्तों, जाह्नवी की एक छोटी बेटी भी है जिनका नाम है निर्भी गोपालिया। दोस्तों, दूसरे नंबर पर बात आती है दया की। दया का असली नाम है दयानंद सेट्टी, जिनका जन्म 11 दिसंबर 1969 को कर्नाटक बेंगलोर में हुआ था। इन्होंने टीवी शो के अलावा कुडरगु और खतरों के खिलाड़ी जैसे और भी कई हिट सीरियलों में काम किया है। इन्होंने टीवी शो के अलावा अजय देवगन की फिल्म सिंघम रिटर्न्स जैसी और भी कई हिट फिल्मों में काम किया है, लेकिन उनको अपनी असली पहचान टीवी शो सीआईडी से ही मिली, जिसके लिए लोग आज भी इन्हें देखना पसंद करते हैं। वैसे दोस्तों, दया के बारे में तो आप जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप इनकी रियल लाइफ की पत्नी के बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते तो चलिए हम आपको बताते हैं। इनकी रियल लाइफ की पत्नी का नाम है स्मिता सेट्टी, जो दिखने में काफ़ी खूबसूरत हैं, और इनकी एक छोटी बेटी भी हैं जिनका नाम है विवा सेट्टी। दोस्तों, दयानंद सेट्टी की पत्नी और इनकी बेटी ज़्यादातर लाइमलाइट से दूर ही रहती हैं, इसके वजह से उनके फोटो देखने को बहुत कम मिलते हैं। वैसे दोस्तों, आप हमें कमेंट कर बताएं कि आपको श्रेया और दया की जोड़ी कैसी लगती है, और दोस्तों हमें कमेंट कर ये भी बताएं कि आपको तारिका और अभिजीत की जोड़ी कैसी लगती है। हमें आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।